गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में एक पोल लॉन्च किया था जिसमें मैंने आप सबसे पूछा था कि आप सब कौन सी प्लेसेस घूमना चाहते हैं। तो ये रहे आपकी स्क्रीन पे उस पोल के रिजल्ट्स जिसमें से आप सबने मैक्सिमम वोट स्नोफॉल और माउंटेन वाली प्लेसेस को दिए। तो आज की ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, लेकिन बाकी लोगों को भी निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके बाद मैं बाकी टॉपिक्स पे भी वीडियोज लेके आऊंगी। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आप सबको लेके चलने वाली हूँ उत्तराखंड के सबसे पॉपुलर और रोमांटिक हिल स्टेशनों में से एक, जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण जाना जाता है और जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मसूरी की। दोस्तों मसूरी की प्राकृतिक सुंदरता इसे हनीमून के लिए एक बेहद ही लोकप्रिय प्लेस बनाती है। तो यदि आप हिमालय की बर्फ से ढकी हुई चोटियों के साथ साथ हरे भरे ढलानों के खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो मसूरी जाना सबसे अच्छा विकल्प है। तो गाइज अगर आप मसूरी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली है, जैसे कि आपको वहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, खाने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कहाँ कहाँ घूमना है, वहाँ आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कहाँ करना है, कितने दिन का ट्रिप प्लान करें, कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए, और इस सब के साथ अंत में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस विजिट में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको मसूरी पहुंचना कैसे है। तो आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके मसूरी तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहां देहरादून में आपको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज अगर आप फ्लाइट से आने की सोच रहे हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मसूरी का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है, जो कि मसूरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और आपको यहाँ देहरादून एयरपोर्ट पर उतरने के बाद मसूरी तक के लिए टैक्सी या बसेस ईजिली मिल जाएंगी। एंड गाइज अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देहरादून का रेलवे स्टेशन मसूरी के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन है, और ये रेलवे जंक्शन देश के प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, और आपको यहाँ से मसूरी तक के लिए टैक्सी या बस इजीली मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो मसूरी के लिए कई राज्य और निजी संचालित बसें देहरादून और देश के अन्य हिस्सों से उपलब्ध हैं। और अगर आपको आपके शहर से मसूरी तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती, उस केस में आप दिल्ली आ सकते हैं, और दिल्ली से आपको कई डिलक्स बसेस मिल जाएंगी मसूरी तक के लिए। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड की कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। चलिए दोस्तों अब मसूरी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपना होटल मसूरी के मॉल रोड पे देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शंस तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और खाने पीने के स्टॉल भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको यहाँ काफ़ी सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी देखने को, जिनमें आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर मॉल रोड पर अपना होटल लेते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी ईजिली मिल जाएंगी घूमने फिरने के लिए। एंड गाइज होटल्स की कॉस्ट आपको यहाँ 1000 से 1500 के बीच पड़ने वाली है। एंड गाइज बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के नाते मसूरी में आपको ढेरों तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं। यहाँ पे आपको स्थानीय व्यंजनों के अलावा काफ़ी सारे चाइनीज़, तिब्बतियन, इंडियन, थाई, मोरक्को, इटालियन, गोवन और कॉन्टिनेंटल डिशेज भी देखने को मिल जाएंगी। और इसके साथ ही यहाँ के केक और मफिन्स के साथ साथ कैफेज़ में बैठ के कॉफ़ी पीना आप डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। और अगर खाने की कॉस्ट की बात करें तो आपको 150 से 180 के बीच वेज थाली मिल जाएगी, और अगर आप नॉन वेज थाली प्रेफर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 200 तक पड़ जाएगी। चलिए दोस्तों अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कैसे है। तो गाइज घूमने के लिए आपको यहाँ टैक्सी या बस तो मिल ही जाएगी, इसके साथ ही आप चाहें तो यहाँ पे स्कूटी या बाइक भी रेंट पे ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 600 से 1000 के बीच पड़ जाएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, और पेट्रोल इसमें आपको खुद से पड़वाना होगा, लेकिन आपका हेलमेट आपको स्कूटी एजेंट ही प्रोवाइड कर देगा। एंड गाइज अगर आप स्कूटी या बाइक रेंट पे ले रहे हैं तो यहाँ एक छोटा सा सजेशन मेरा आपको ये रहेगा कि आप उसे देहरादून से लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आपको देहरादून से मसूरी तक के लिए कोई भी टैक्सी या बस नहीं प्रेफर करनी पड़ेगी, आप उसी बाइक से देहरादून से मसूरी तक जा सकते हैं, और वापसी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको किसी भी तरह की टैक्सी या बस का इंतजार नहीं करना है, आप उसी बाइक से देहरादून तक जा सकते हैं, और देहरादून पर बाइक डिपॉजिट करने के बाद आप वापसी के लिए फ्लाइट, ट्रेन या बस पकड़ सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पर दूसरा मेरा सजेशन रहेगा जो वो ये रहेगा कि आपको यहाँ पे अपने दिन की शुरुआत थोड़ा जल्दी करनी है, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे दिन जल्दी ढलता है, अंधेरा जल्दी होता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको आपके दिन का मैक्सिमम टाइम मिल सके घूमने फिरने के लिए, और शाम को दिन ढलने से पहले आप अपने होटल वापस पहुँच जाएं, क्योंकि अंधेरा होने के बाद यहाँ के पहाड़ी और घुमावदार रास्तों में रोड एक्सीडेंट्स होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
एंड गाइस अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ घूमना कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप जा सकते हैं गन हिल, जो कि एक व्यू पॉइंट है और ये मॉल रोड से करीब 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और करीब 2024 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ, घाटियाँ, कोहरे से ढके हुए पेड़ों के साथ साथ हिमालय की सफ़ेद चोटियाँ। तो गाइस आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा शांति और सुकून का अनुभव करने वाले। और इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी और सेल्फी का शौक भी रखते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ काफ़ी सारे सीनिक व्यूज़ मिल जाएंगे जिन्हें आप अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं। एंड गाइज इसके बाद आप गन हिल से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर विजिट कर सकते हैं लाल टिब्बा, जो कि 2275 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मसूरी का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट है। और आपको यहाँ की सीनिक व्यूज देखने के साथ साथ यहाँ के मैगी और मोमोज जरूर ट्राई करने चाहिए। एंड गाइज इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं केम्प्टी फॉल्स, जो कि उत्तराखंड के सबसे प्रसिद्ध झरनों में से एक है और ये मसूरी के मॉल रोड से करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड गाइज ये खूबसूरत झरना 40 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिरता है और यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वतीय चट्टानों से घिरा हुआ है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई करीब 4500 फीट है। और आप यहाँ इस झरने की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के साथ साथ इस झरने में नहाने का आनंद भी ले सकते हैं और इसके साथ ही आपको यहाँ केबल कार रोपवे का मजा भी मिल जाएगा। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ इस झरने में नहाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप अपने साथ एक टॉवल और एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर लेके जाएं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे चेंजिंग रूम और लॉकर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको कोशिश करनी है कि आप दोपहर के टाइम पे यहाँ जाएं, क्योंकि दिन ढलने के साथ ही जैसे जैसे तापमान गिरता है इस झरने का पानी और भी ज़्यादा ठंडा होता जाता है। एंड गाइज इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं मसूरी झील, जिसकी एंट्री फीस 15 रुपीज़ है और आप यहाँ बोटिंग का मज़ा भी ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से टिकट्स परचेज करनी पड़ेंगी जिसकी कॉस्ट आपको करीब 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ जाएगी। और इसके अलावा आपको यहाँ झील के किनारे काफ़ी सारी शॉप्स भी देखने को मिल जाएंगी जिनमें आप हैंडीक्राफ्ट्स और वुलन आइटम्स की खरीदारी भी कर सकते हैं। और बात करें अगर हम यहाँ के टाइमिंग की तो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक ये पर्यटकों के लिए खुला रहता है। एंड गाइज इसके बाद आपको अंधेरा होने से पहले वापस मॉल रोड अपने होटल पहुंचना है और शाम के टाइम आप यहां के मॉल रोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यहां की चहल पहल का मज़ा ले सकते हैं और इसके अलावा काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स इंजॉय कर सकते हैं। एंड गाइज इसके बाद आप नेक्स्ट डे विजिट कर सकते हैं मौसी फॉल्स, जो कि मॉल रोड से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये झरना घने जंगलों से घिरा हुआ है और इस झरने का नाम यहाँ के आसपास की काई से भरी हुई चट्टानों के नाम पर रखा गया है। एंड गाइज अगर आप मसूरी में कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये झरना शहर की भीड़भाड़ से दूर है तो आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा सुकून का अनुभव होगा। और इस झरने तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ी बहुत ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी, तो अगर आप ट्रैकिंग का शौक भी रखते हैं तो वो भी इच्छा आपकी पूरी हो जाने वाली है। और इसके अलावा ये फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए अपने समृद्ध दृश्यों और न्यूनतम ह्यूमन इंटरेक्शन के कारण भी जाना जाता है। एंड गाइस इसके बाद आप मौसी फॉल्स से करीब 10 मिनट के डिस्टेंस पे विजिट कर सकते हैं झरी पानी वाटरफॉल। लेकिन गाइस यहाँ पे आप पूरा एंड तक गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, आपको स्कूटी या बाइक की पार्किंग पहले ही करनी होगी और उसके बाद करीब 30 मिनट के ट्रैकिंग करके आपको झरने तक पहुँचना होगा। एंड गाइस ये जगह एक आदर्श पिकनिक स्पॉट होने के साथ साथ नेचर लवर्स और एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी है। एंड गाइज इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं भट्टा फॉल्स, जिसकी मसूरी मॉल रोड से दूरी करीब 10 किलोमीटर की है और आपको यहाँ 30 रुपीज़ का एंट्री टिकट पड़ेगा। और आप यहाँ इस खूबसूरत झरने को देखने के साथ साथ काफ़ी सारी फन एक्टिविटीज़ का मज़ा भी ले सकते हैं जिनकी अलग अलग कॉस्ट है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स और कैफ़ेज़ भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे आप नूडल्स, ऑमलेट, सूप, मैगी, कॉफ़ी आदि का मज़ा ले सकते हैं। एंड इसके बाद गाइज आप विजिट कर सकते हैं क्लाउड्स एंड, जो कि मॉल रोड से करीब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। एंड गाइज क्लाउड्स एंड में आपको मसूरी का अंत दिखाई देता है और ये जगह घने जंगलों और बादलों से घिरी हुई है, तो आपको यहाँ आके ऐसा लगेगा जैसे आप बादलों के बीच आ गए। एंड बिलीव मी गाइज इस जगह के व्यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। एंड इसके बाद गाइज शाम होने से पहले आपको वापस मॉल रोड अपने होटल आ जाना है और यहीं पे इंजॉय करना है। और नेक्स्ट डे आपको निकलना है धनौल्टी के लिए, जो कि यहाँ से करीब 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। दोस्तों धनौल्टी उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है जो कि समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। एंड गाइज देवदार के जंगलों से घिरा धनौल्टी शहर की भीड़भाड़ से दूर आने का एक अच्छा स्थान है और यहाँ की लंबी जंगली ढलाने और बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ की विशेषता है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि मसूरी घूमने के बाद अगर आप यहाँ प्रकृति का आनंद लेने के साथ साथ ठहरना भी चाहते हैं उसके लिए भी काफी सारे होटल्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वो गाइज कम्प्लीटली आपके ऊपर है, अगर आप यहाँ ठहरना चाहें तो आप ठहरिए, वरना आप सेम डे मसूरी रिटर्न भी जा सकते हैं। एंड गाइज अब अगर घूमने फिरने के बाद आप यहाँ कुछ शॉपिंग का मन बना रहे हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं मॉल रोड। लेकिन दोस्तों मॉल रोड में आपको चीज़ें थोड़ा महंगी मिलेंगी कंपैरेटिवली, क्योंकि वो मार्केट बेसिकली टूरिस्ट के लिए ही है, तो वहाँ चीज़ें थोड़ा महंगी मिलेंगी आपको। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप यहाँ के लैंडोर बाज़ार में जाके शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि मॉल रोड से करीब 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और ये यहाँ का लोकल मार्केट है, यहाँ के लोकल लोग यहाँ से ही शॉपिंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलेंगी।
एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको मसूरी के लिए कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन सा बेस्ट टाइम रहेगा विजिट करने के लिए। तो गाइस 3 दिन आपकी मसूरी के ट्रिप के लिए पर्याप्त रहेंगे और सितंबर से जून तक का समय सबसे अच्छा माना जाता है मसूरी विजिट के लिए। लेकिन गाइस अगर आप यहां स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी के टाइम पे अपनी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। और इसके अलावा आप समर के टाइम पे भी यहां विजिट कर सकते हैं, उस टाइम भी यहां का वेदर काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन गाइस आपको मानसून में मसूरी घूमने का प्लान बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए क्योंकि इस मौसम में यहां पे लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। एंड गाइस बात करें अगर हम बजट की तो मसूरी के 3 दिन के ट्रिप का खर्चा ऑन एन एवरेज आपको 6,000 से 7,000 रुपये प्रति व्यक्ति तक का आ जाएगा। और इसमें मैंने आपकी फ्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया और आपकी शॉपिंग का खर्चा इंक्लूड नहीं किया है। इसमें मैंने सिर्फ आपके होटल, खाने पीने, स्कूटी या बाइक रेंट और पेट्रोल का खर्चा इंक्लूड किया है। और इसके अलावा अगर आप यहां कुछ फन एक्टिविटीज़ इंजॉय करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको इसमें अलग से ऐड करनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ भी अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं मिलूंगी जल्दी आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।